खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में आज शपथ ग्रहण समारोह है। अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अजित पवार एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होने वाले हैं। अब ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 22 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। बड़े स्तर पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम महाराष्ट्र में आज देखने को मिल रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। अब पूरे तरीके से फाइनलाइज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद बात अगर करें डिप्टी सीएम की, तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की देखने को मिली थी। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शिखा हमारे साथ चुके हैं। शिखा, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो आज अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है शपथ ग्रहण को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में? शिखा, बात ये कि जो जीत बीजेपी को वहां मिली है वो एक तरफा जीत है, और इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो भी शामिल होने वाली है। जब चुनाव का समय था तो लगातार मंत्री जो है वो अलग अलग प्रदेशों के वहां पे प्रचार के लिए जा रहे थे, और उनमें कहीं ना कहीं हरियाणा के सीएम जो है उनका भी नाम था। फिलहाल पहले वो कुरुक्षेत्र में एक जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शामिल होंगे, उसके बाद चंडीगढ़ से वो जो है मुंबई महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे और वहां जाके शपथ समारोह जो है उसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना बड़ा ही कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जो है इसमें शामिल होंगे, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये जो जीत है लगातार एक के बाद एक जीत मिलना कहीं ना कहीं बता रही है कि जनता जो है ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जनता को वो चीजें जो है वो बहुत पसंद आ रही है, और जनता जो है वो बीजेपी को अपना रही है। और बारिश जो है वो यूपी की, अब यूपी में जब चुनाव होंगे देखने वाली बात होगी कि तब वहां पर तस्वीरें कैसी होती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जनता जो है उनके ऊपर बीजेपी का रंग जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, और जिस तरह से जीत अब ये बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली है इसमें इसलिए हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होने वाले हैं। शाम को ये शपथ समारोह जो है वो होने जा रहा है, पर आज सुबह से ही मुख्यमंत्रियों के पोषण का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम में से तस्वीरें भी जो है वो भव्य देखने वाले हैं। सिक्योरिटी जो है वो इस तरह से रखी जाएगी कि आम जनता जो है उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, और ये शपथ समारोह जो है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। बिल्कुल, लगातार आप शिखा हमारे साथ बने रहिए। हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई, और गौरव शर्मा लगातार प्रचार अभियान जब चल रहा था तो लगातार जानकारियां भी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। गौरव शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, फिलहाल अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शामिल हो रहे हैं महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह में। प्रिडिक्टेबल था कि देवेंद्र फडणवीस ही शपथ लेंगे? देखिए, जिस तरीके से वसंत महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली, इतना खुद बीजेपी को अनुमान नहीं था कि वो इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर होने वाली पार्टी बनेगी महाराष्ट्र में। उस जीत के बाद निश्चित तौर पर यह सहरा सच गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप याद कीजिए, नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक्सपर्ट लिखा था, उन्होंने ट्वीट किया था कि ऊंची उड़ान अभी बाकी है। इसका मतलब क्या है? तभी इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। यही वजह है कि नतीजे आने के बाद कोई बैठक उस समय नहीं हुई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक्स पर यह पोस्ट कर दिया था कि ऊंची उड़ान अभी बाकी है। दूसरी बात अगर हम करें, तो कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने खुद देखा होगा, उसमें जब प्रेस ने ये पूछा अजीत पवार से कि क्या आप डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, तो अजीत पवार ने कहा कि मैं तो लूंगा, लेकिन शिंदे साहब का मुझे पता नहीं है, और सभी पत्रकार वहां ठहाका लगाकर हंसने लगे।
और शिंदे ने ये कहा, एकनाथ शिंदे ने, कि बिल्कुल अजीत पवार साहब का तो सुबह और शाम दोनों टाइम शपथ लेने की आदत है, तो एक दूसरे पर कटाक्ष तो किया, लेकिन दोनों ही नेता जो है आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4:30 बजे महाराष्ट्र में मुंबई में जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां पर जो है आजाद ग्राउंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और याद कीजिए, अभी झारखंड में जब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ था तो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता वहां मंच पर मौजूद थे। तो एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन हो गया है आजकल कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई राज्य में सरकार बनती है, चीफ मिनिस्टर बनता है, तो इंडी गठबंधन के बड़े नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। अगर बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई सरकार बनती है तो बीजेपी के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की ये कोशिश की जाती है कि जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, केंद्रीय नेतृत्व भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। चलिए ठीक है, गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।